नीलम देवी जिंदाबाद, 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 मुकेश अग्रवाल साहब जिंदाबाद, 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 मनोज तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे डी टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शिष्य श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है, तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और चौथे चरण का मतदान आज से शुरू है। इसी क्रम में रोहतास के नारसिंहगंज प्रखंड से प्रतिनिधि मनोज तिवारी और प्रत्याशी नीलम देवी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है, ऐसे में बात करें नासरीगंज प्रखंड की तो नासरीगंज प्रखंड में 3 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर जिक्र कर ले तो इस वक्त हम मौजूद हैं नासरीगंज प्रखंड में और हमारे साथ मनोज तिवारी हैं जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिला पार्षद के तौर पर। इनकी पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में है और क्षेत्र संख्या बात करें नासरीगंज की 25 से पश्चिमी में वो चुनावी मैदान में है और नामांकन हो चुका है और लिहाजा इसी कड़ी में इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि ये पहले मुखिया रह चुके हैं और कई अमूलचूल परिवर्तन भी अपने पंचायत क्षेत्र में किए हैं। अब जिला पार्षद के तौर पर अपनी पत्नी नीलम देवी को जो है प्रतिनिधित्व करते दिख रहे हैं। सबसे पहले डी टीवी भारत में मनोज तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने 5 साल इस पंचायत परसिया पंचायत के 2006 से 2011 तक मैं मुखिया के कार्य किए हैं जी और प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे पंचायत की जनता ने मेरे मुझे स्वागत किया था और मैं 5 साल जो भी कार्य किए हैं वो निस्वार्थ जी और मैं पंचायत के एक गार्जियन के रूप में, एक परिवार के रूप में, कोई लोग कैंडिडेट के रूप में घूमता है और मनोज तिवारी एक परिवार के रूप में घूमता है जी जी। जबकि मैं मुखिया बना 2006 में हमारे इस अमलोवा गांव में मैंने स्कूल नहीं था जी जी, तो मैंने देखा कि यहाँ स्कूल नहीं है। जब प्रखंड की मीटिंग में हमने बैठा वहाँ 3 स्कूल करने के लिए आया प्राथमिक विद्यालय, तो जबकि मैंने वहाँ पर लड़ाई लिया प्रमुख महोदय जी से और प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यकारिणी से, हमने कहा कि अमलोवा गांव के बच्चा या तो पढ़ने के लिए डिहरी जाता है या नहीं तो तिलसा जाता है जी। एजेंडा लेकर आप चले हैं? मैंने यही एजेंडा लेकर चला हूँ कि मैं यदि चुनाव आप लोग मुझे जिताते हैं तो निस्वार्थ, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, चाहे जो भी हमारे जिला परिषद कार्य की सेवा हो, मैं निस्वार्थ करने के लिए तैयार हूँ और जिस तरह से मैं कार्य 5 साल में आप लोगों के बीच किया हूँ उससे अधिक बढ़ करके मैंने आप लोगों के बीच काम करने का। रोहतास जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है, ऐसे में किसानों की बड़ी समस्या रही, उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसे में आपकी पत्नी नीलम देवी जीत जाती हैं तो क्या कुछ करेंगे किसानों के लिए? इसके लिए हमने पदाधिकारी और प्रशासन से मांग को दिलवाने का मैं बराबर काम जी, इसमें कभी वंचित होने का काम नहीं करूँगा। यदि वंचित होने इस तरह की जनता या मुझ पर लगाती है तो मैं उस समय इस्तीफा देने के लिए मैं तैयार हो जाता। अब स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, देश में कई लोग त्रस्त हुए, ऐसे में यदि आपकी पत्नी को जीत मिल जाती है, जनता के द्वारा चुन ली जाती है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या कर पाएंगे? देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक मामला रहा तो मैंने मुखिया भी थे, डॉक्टर से मेरा बराबर लड़ाई होती रहती थी कि हमारे पंचायत में आप लोग चल करके या मच्छर की दवा छिड़किए या किसी भी तरह का दिक्कत है उसको आप लोग देखिए, चाहे मवेशी डॉक्टर हो चाहे हमारे स्वास्थ्य केंद्र हो जी। इसके लिए बराबर मैं मीटिंग में आवाज़ उठाते रहा हूँ, आज भी मैं वादा करता हूँ कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी सुविधाएं दिलाने के काम में करूँगा। गरीबों के लिए क्या करेंगे? गरीबों के लिए हर तरह से जो भी मेरा सहायता होगा वो करने के लिए तैयार। पहले जो कि रोड पर जाता है तो किसी भी साइकिल से, किसी भी मोटरसाइकिल से धक्का हमारे बच्चे को लग सकता है, आशंका जैसा जी। तो इसके लेकर के वो सबसे पहले मेरे अमलोवा गांव में एक प्राथमिक विद्यालय दिया जाए। जहाँ खड़े हैं आप? जी, जिस गांव में मैं खड़ा हूँ इस गांव में मैंने प्राथमिक 2006 में विद्यालय देने का काम किया और 2007 में हमने पहला एक टीचर बहाल करके निस्वार्थ मैंने बहाल किया, विजया देवी दी को पीपड़ी में जी जी। और इसके बाद में निस्वार्थ मैंने कार्य किया, मैं अपने पंचायत की जनता के बीच हूँ और मैं ये भी आज कहता हूँ दावा के साथ, किसी भी मंच पर जाता हूँ चाहे किसी भी ड्रामा के उद्घाटन में जाता हूँ तो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि यदि मेरे पंचायत की जनता मुझ पर 1 रुपया के भी कभी इल्ज़ाम लगा दे, चाहे हमारे पास कोई भी जनता गया हो, मान सम्मान मैंने न दिया हो, तो मैं आज भी चुनाव से वंचित हो जाएंगे।
अच्छा, क्या कुछ कमियां रही आपके जो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25 कि आपको इस चुनावी समर में जद्दोजहद करनी पड़ रही है? देखिए, हमने कोई ऐसा नहीं करना है, हमने नॉमिनेशन अपना किया है, अपने जीत अपने जनता के बीच में अपना बताने के लिए घूम रहे हैं फरियाद को कि मेरा मकिया का बाल छाप मिला है, 5 नंबर पर मेरे अभ्यर्थी नीलम देवी हैं, मेरी पत्नी है, और उनको आप लोग भारी से भारी मतों से चुनाव जिताने का। मनोज तिवारी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिला पार्षद के तौर पर, अपनी पत्नी नीलम देवी को जो है चुनावी मैदान में उतार चुके हैं, कैसा व्यक्तित्व है, क्या अपेक्षा है इनसे? ये तो जो भी काम किए हैं वो न्याय किए हैं, जायज किए हैं। जी जी, जो बात बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते हैं। जी जी, सब सही बोलते हैं। इस बार लगता है कि इनको सफलता मिलेगी? जी लगता है वैसा। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? आप इनके साथ घूम रहे हैं, जनता से क्या अपील रहेगी? अपील यही रहेगा कि जो भी न्याय काम हो करना चाहिए आपको, करना है आपको। जी जी, नाम बताएंगे अपना? विजयकांत तिवारी। मनोज तिवारी जी चुनावी मैदान में अपनी पत्नी नीलम देवी को उतार चुके हैं, कैसा व्यक्तित्व तो है, क्या अपेक्षा है इनसे? हम लोग तो भूतपूर्व मुखिया थे जी, अभी भी जो भी काम किए हैं सब हम लोग के हाथी बहुत बढ़िया किए हैं, और हम लोग का सहयोग है कि उनको जिला परिषद चुनाव जिताया जाए। जी जी, विश्वास है, एकदम पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जिला परिषद इनको बनाएंगे। जी, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। इनकी पत्नी नीलम देवी है, अच्छा है, हम लोग उनको वोट देकर के भारी मतों से जिताएंगे। नाम बताएं अपना? मेरा नाम परमेश्वर तिवारी। हमने की तैयार बनी जाए यहाँ के जिताए के, नीलम देवी के, नीलम दीदी के। हाँ, कैसा व्यक्तित्व, कैसा लोग बा? ठीक बनी जाए, ठीक बनी जाए। हाँ, एक बार जीता रहे क्या था। हाँ हाँ, बढ़िया बनी, जीता दी जाए सब कोई मिल के। जब नाम बताइए? मंजू देवी। ये थे नासरीगंज प्रखंड के पश्चिमी क्रम संख्या 25 के प्रतिनिधि मनोज तिवारी और इनकी पत्नी जो है नीलम देवी चुनावी मैदान में है। 3 नवंबर को जो मतदान होगा उसके पक्ष इनको लेकर के जनता किस तरीके से मैंडेट देती है ये तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ डीटीवी भारत के लिए रोहतास के नासरीगंज प्रखंड से मैं अश्विनी पांडे।